जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो अग्निपथ स्कीम से आपको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं मैं आज के इस वीडियो में बिल्कुल खुलकर आपको बताने वाला हूँ। जो रेगुलर आर्मी के जो जवान हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं और आपको 4 साल की सर्विस के दौरान क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होगा वो भी मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आपकी छुट्टी हो गई, आपकी सैलरी हो गई, आपके लिए मेडिकल CSD जो भी फैसिलिटीज आर्मी के जवानों को मिलती हुई आई हैं क्या वो आपके लिए भी मिलेंगी या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैंडिडेट विल बी इनरोल्ड अंडर आर्मी एक्ट 1950 फॉर ए सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स। सभी को पता है कि आपकी जो भर्ती होगी वो केवल 4 साल के लिए होगी। 4 साल के लिए आपको सबके लिए बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो फिर से अप्लाई करेंगे और उनमें से ओनली 25% के लिए रखा जाएगा, ठीक है। आप साफ साफ देख सकते हैं अग्निवीर सो एनरोल्ड अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेचुटी। मतलब आप अगर अग्निवीर बन के भर्ती होते हैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में तो आपके लिए किसी भी तरह की पेंशन और ग्रेचुटी जो है वो नहीं दी जाएगी। सर्विस ऑफ अग्निवीर विल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट, ठीक है। तो जिस दिन से आपके दोस्तों आप ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करेंगे, अगर आप इस भर्ती में भर्ती होते हैं उसी दिन से आपकी 4 साल की जो सर्विस है वो काउंट हो जाएगी। आपके लिए यहाँ पर कोई भी रैंक नहीं दी जाएगी जो कि दोस्तों एग्जिस्टिंग सर्विस में दी जाती है। तो नो रैंक नो पेंशन वाला यहाँ पर बिल्कुल हो गया है। आपके लिए इंडियन आर्मी में कोई भी रैंक नहीं दी जाएगी, आप ओनली अग्निवीर करके भर्ती होंगे और अग्निवीर करके ही रिटायर हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों लीव, यूनिफॉर्म, पे एंड अलाउंसेज। ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड ऑफ 4 ईयर्स विल बी गवर्नड बाई ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंडिविजुअल्स इश्यूड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है लेकिन लीव के बारे में जो है वो बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप जो हैं आपके लिए ड्यूटी के लिए इंडिया में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। जैसे आर्मी के रेगुलर सोल्जर को भेजा जाता है आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है, ओके। उसके बाद में है दोस्तों पर्सनल इनरोल्ड थ्रू अग्निवीर स्कीम विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप्स एंड फिजिकल रिटन फील्ड टेस्ट एज गवर्न बाय द ऑर्डर इशूड। मतलब जो सेम ऑर्डर आपसे लिए जाते हैं रिटन फिजिकल और मेडिकल का, वही आपसे अग्निवीर के तौर पर अगर आप भर्ती होंगे फिर भी आपका वही टेस्ट लिए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मेन पॉइंट की। सबसे बड़ी बात आती है डिस्चार्ज। तो आप सभी को पता ही है कि अगर आप अग्निवीर बन के भर्ती होंगे तो आपकी सर्विस जो है वो 4 साल की होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है इन केस कि अगर आप जैसे नेक्स्ट ईयर जो है वो अग्निवीर बन के आर्मी में भर्ती हो गए, उसके बाद में आपने किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ है जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, और उसका रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप इस सर्विस के लिए छोड़ नहीं पाएंगे। सबसे निगेटिव पॉइंट आपका ये है कि 4 साल बाद तो आपको बाहर दिखाया ही जाएगा, बाहर का रास्ता फौज से निकाला ही जाएगा। लेकिन अगर आप 4 साल से पहले खुद छोड़ना चाहते हैं, किसी दूसरी नौकरी में आपने अप्लाई किया था जो आपको मिल चुकी है, फिर भी आपके लिए नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ सर्विस, ओके। चलिए अब चलते हैं आपकी लीव की तरफ कि आपको छुट्टी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों आज की डेट में जो रेगुलर सोल्जर्स होते हैं उनके लिए जो है वो छुट्टी मिलती है 3 महीने की, मतलब 90 डेज की जो छुट्टी होती है वो फौजियों के लिए दी जाती है, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो लीव है वो ओनली 1 महीने की दी जाएगी। ये देख सकते हैं आप लीव वाला पीरियड कॉलम 8 में दिया गया है। ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्ट टू एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विस, द फॉलोइंग लीव मे बी एप्लीकेबल फॉर अग्निवीर ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट पीरियड। तो यहाँ पर दोस्तों जो एनुअल लीव होती है वो हम लोगों को मिलती है 60 डेज की, और CL जिसके लिए हम कैजुअल लीव बोलते हैं वो मिलती है 30 डेज की। तो टोटल मिला के दोस्तों 90 डेज की लीव एक आर्मी के सोल्जर के लिए दी जाती है, जो कि अग्निवीर के तहत अगर आप भर्ती होंगे तो आपके लिए ओनली 30 दिन की ही दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपको 4 साल में ओनली 4 महीने की छुट्टी काटने के लिए मिलेगी। तो इस स्कीम से आपको कितना फायदा है आप खुद समझदार हैं, जान सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहूँगा ज़्यादा इसके बारे में। मेडिकल फैसिलिटीज, CSD फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, वो भी केवल आपके 4 साल के पीरियड के बाद में। उसके बाद में आपके लिए कोई भी जो है वो फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है।
इस नोटिफिकेशन से पहले ही बहुत देश में हंगामा हो रहा है, आप सभी को पता है, तो मैं इसमें ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल यही मकसद था कि आपकी जो छुट्टी है दोस्तों, वो भी इतनी कम है कि आपके लिए केवल 1 साल में 30 दिन ही अपने घर पर रहने को मिलेगा। मतलब रेगुलर सोल्जर की तरह आपको छुट्टी भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिस्चार्ज का मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 4 साल से पहले डिस्चार्ज होकर घर जाना चाहते हैं तो आपके लिए इंडियन आर्मी नहीं भेजेगी। चाहे आपकी कोई भी जॉब है जिसमें आपका सिलेक्शन हो चुका है, उसमें आपके लिए जाने के लिए अग्निवीर से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अग्निवीर स्कीम से संबंधित वीडियोस को मैं टाइम टू टाइम लेकर आता रहूंगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।